हेलो प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान पशु परिचारक भर्ती के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो राजस्थान पशु परिचारक भर्ती में संपूर्ण तरीके से पूछे जाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखना है। जो भर्ती चैनल को पहली बार विजिट कर रहा है तो चैनल को कर दे सब्सक्राइब और वीडियो को प्यारा सा लाइक जरूर करें। तो बिना देर के वीडियो की करते हैं शुरुआत। तो आपका पहला प्रश्न है, दूध उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चट्टा। जल्दी से आंसर बताओ। आंसर सभी को बताना और वीडियो को पूरा देखना है। क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन ए बी हो जाएगा दूसरा सही आंसर। जो बी ऑप्शन बता रहे होंगे हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, सर्वाधिक दूध उत्पादन वाला जिला कौन सा है? इनमें से कौन सा जिला है जो सर्वाधिक दूध उत्पादन वाला है? जयपुर, अलवर, भरतपुर, बांसवाड़ा। देखो, सर्वाधिक दूध उत्पादन वाला जिला कौन सा है, जल्दी से आंसर बताओ। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जयपुर हो जाएगा सही आंसर। जयपुर में क्या है, सर्वाधिक दूध उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है आपका, सर्वाधिक तो जयपुर है लेकिन न्यूनतम दूध उत्पादन वाला जिला कौन सा है? अजमेर, बीकानेर, करौली, बांसवाड़ा। क्या हो जाएगा आंसर सभी को बताना है। क्या हो जाएगा यह प्रश्न सभी भर्ती के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाले, खास करके पशु परिचारक। जल्दी से आंसर बताओ क्या हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा हमारा बांसवाड़ा। जो बांसवाड़ा जिला है वो न्यूनतम दूध उत्पादन वाला जिला है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान का एकमात्र दूध विज्ञान तकनीकी महाविद्यालय कहाँ स्थित है? डूंगरपुर, बीकानेर, अलवर, उदयपुर। जल्दी से आंसर बताओ। आंसर सभी को बताना है। जो राजस्थान का एकमात्र दूध विज्ञान तकनीकी महाविद्यालय वो कहाँ स्थित है? ये हमारे उदयपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? उदयपुर। जो डी ऑप्शन बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, नहरों से सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला कौन सा है? हनुमानगढ़, गंगानगर, प्रतापगढ़, करौली। इनमें से कौन सा जिला है जो नहरों से क्या करता है, सर्वाधिक सिंचाई करता है? जल्दी से आंसर बताओ। यह प्रश्न सभी को आना चाहिए। नहरों से सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला कौन सा है, जल्दी से आंसर बताओ। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी गंगानगर हो जाएगा सही आंसर। जो गंगानगर जिला है वह क्या करता है, नहरों से सर्वाधिक सिंचाई करता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है आपका, मल्लीनाथ जी का पशु मेला कहाँ लगता है? डूंगरपुर, अलवर, बीकानेर, बाड़मेर। जो मल्लीनाथ जी पशु मेला वो कहाँ लगता है, जल्दी से आंसर बताओ। यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। जो मल्लीनाथ जी पशु मेला वो हमारे बाड़मेर में लगता है। कहाँ लगता है? बाड़मेर में। डी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है आपका, गोगामेडी पशु मेला कहाँ लगता है? गंगानगर, हनुमानगढ़, करौली, धौलपुर। जो गोगामेडी पशु मेला वो कहाँ लगता है, यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा हनुमानगढ़। क्या हो जाएगा? हनुमानगढ़। जो गोगामेडी पशु मेला वो हमारे हनुमानगढ़ में लगता है। बी ऑप्शन जो बता रहे हैं उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, महाशिवरात्रि पशु मेला कहाँ लगता है? धौलपुर, करौली, बाड़मेर, इनमें से कोई नहीं। जो महाशिवरात्रि पशु मेला वो कहाँ लगता है, जल्दी से आंसर बताओ। आंसर सभी को बताना और वीडियो को पूरा देखना है। क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा हमारा करौली। जो महाशिवरात्रि पशु मेला वो हमारे करौली में लगता है। कहाँ लगता है? करौली में लगता है। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है आपका, गिर नस्ल है, गिर किसकी नस्ल है? गाय की, ऊँट की, बकरे की, भैंस की। इनमें से किसकी नस्ल है गिर, जल्दी से आंसर बताओ। ये सभी को आना चाहिए। जो गिर होती है वो क्या होती है, गाय होती है। जो क्या गाय की नस्ल है, गिर गाय होती है। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन सी गाय की नस्ल विदेशी है? इनमें से कौन सी नस्ल है जो क्या है, विदेशी है? जर्सी, थारपारकर, मालवी, मेवाती। देखो, ये सभी क्या है, गाय की नस्ल है। इनमें से कौन सी विदेशी नस्ल है? देखो, मेवाती है वो विदेशी नस्ल नहीं है, मालवी विदेशी नस्ल नहीं है, थारपारकर विदेशी नस्ल नहीं है, लेकिन जर्सी जो है वो क्या है, विदेशी नस्ल। ए ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है आपका, जर्सी गाय का मूल स्थान कहाँ है? अमेरिका, लंदन, पेरिस, भूटान। जो जर्सी गाय है उसका मूल स्थान कहाँ है, जल्दी से आंसर बताओ। जो जर्सी गाय उसका मूल स्थान क्या है, यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए अमेरिका हो जाएगा सही आंसर। यह क्या है, विदेशी नस्ल है। अगला प्रश्न है आपका, भारत में सर्वाधिक भैंस किस राज्य में है? सर्वाधिक भैंसों वाला क्या है, राज्य कौन सा है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब। इनमें से कौन सा राज्य है जिसमें क्या है, सर्वाधिक क्या है, भैंस, सर्वाधिक भैंस वाला राज्य कौन सा है, जल्दी से आंसर बताओ। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश हो जाएगा सही आंसर। जो उत्तर प्रदेश राज्य है उसमें क्या है, सर्वाधिक भैंस। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में थारपारकर नस्ल की गाय का उत्पत्ति स्थान कहाँ है?
देखो, जो थार पारकर नस्ल है गाय, उसका उत्पत्ति स्थान आपको बताना है। ए नागौर, बी बाड़मेर, सी अजमेर, डी सिरोही। इनमें से कौन सा जिला है जहाँ पर क्या थार पारकर नस्ल का गाय का उत्पत्ति स्थान, जल्दी से आंसर बताओ। यहाँ पर ऑप्शन बी बाड़मेर हो जाएगा सही आंसर। जो थार पारकर गाय की नस्ल है उसका उत्पत्ति स्थान बाड़मेर हो जाएगा सही आंसर। बी ऑप्शन जो बता रहे हैं उनका सही है। अगला प्रश्न है आपका, मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क दवा योजना कब लागू की गई? 15 अगस्त 2012 से, 2 अक्टूबर 2012 से, 26 जनवरी 2012 से, 2 अक्टूबर 2012 से। जो मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क दवा योजना है वो कब लागू की गई, जल्दी से आंसर बताओ। ये महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी भर्ती के लिए। क्या हो जाएगा जल्दी से आंसर बताओ। यहाँ पर हो जाएगा ए ऑप्शन 15 अगस्त 2012 से। क्या हो जाएगा 15 अगस्त 2012 से, ए ऑप्शन जो बता रहे हैं उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सी भेड़ की नस्ल है? मगरा, थारपारकर, मुर्रा, इनमें से कोई नहीं। देखो, जो मुर्रा नस्ल है वो क्या है, भैंस की नस्ल। जो थारपारकर है वो गाय की नस्ल है, लेकिन मगरा है वो क्या है, भेड़ की नस्ल। यहाँ पर भेड़ की नस्ल पूछा तो ए ऑप्शन जो बता रहे हैं उनका हो जाएगा सही आंसर। क्या हो जाएगा ए ऑप्शन, जो मगरा है वो क्या है, भेड़ की नस्ल। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान राज्य का राज्य पशु है, राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? भालू, चिंकारा, चीता, शेर, इनमें से कौन सा पशु है जो राजस्थान का राज्य पशु है? यह प्रश्न सभी को आना चाहिए। क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी चिंकारा हो जाएगा सही आंसर। जो चिंकारा पशु है वो क्या है, राजस्थान का राज्य पशु। बी ऑप्शन जो बता रहे हैं उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, कौन सी गाय सबसे ज़्यादा दूध देती है? गिर, नागौरी, थारपारकर, मालवी, इनमें से कौन सी नस्ल है जो सर्वाधिक दूध देती है, जल्दी से आंसर बताओ। यहाँ पर ऑप्शन ए गिर हो जाएगा सही आंसर। जो गिर गाय की नस्ल होती है वो क्या करती है, सर्वाधिक दूध उत्पादन दूध देती है, क्या देती है, दूध। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान में किस जिले का आकार राजस्थान के समान है? टोंक, सिरोही, अजमेर, नागौर, इनमें से कौन सा जिला है जिसका आकार क्या है, राजस्थान के समान। क्या हो जाएगा, यह BHTC में भी पूछा गया प्रश्न है। क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन ए टोंक हो जाएगा सही आंसर। जो टोंक जिला है उसका आकार क्या है, राजस्थान के समान है। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान का प्रवेश द्वार किस जिले को कहते हैं? अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, अलवर। क्या हो जाएगा, जो राजस्थान का प्रवेश द्वार है वो किसे कहा जाता है, ये हमारे भरतपुर को कहा जाता है, किसे कहा जाता है, भरतपुर को। बी ऑप्शन जो बता रहे हैं उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान का गौरव किस जिले को कहते हैं? ए प्रतापगढ़, बी चित्तौड़गढ़, सी उदयपुर, डी डूंगरपुर, इनमें से कौन सा जिला है जिसे क्या कहते हैं, राजस्थान का गौरव। आंसर सभी को बताना, क्या हो जाएगा, जो राजस्थान का गौरव है वो किसे कहा जाता है, ये हमारे चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है, किसे कहा जाता है, चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है। तो आज के लिए इतना ही। तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके चैनल को कर दे सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।